तो गाइस जैसा कि आप थंबनेल पे देख चुके होंगे कि आप जो है अपने वीडियो की क्वालिटी इस टाइप से कुछ इस टाइप का बना सकते हो। तो ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेसिक चीज जो आपको बता देता हूँ। पहले देखिए, इस ऐप में जो आप अपने फेस का टोटली रिव्यू जो चेंज कर सकते हो, जैसे नोइस हो गया, आइज़ हो गई, आईब्रो हो गई, लिप्स हो गए, हेड हो गया, माउथ हो गया, सभी कुछ जो आप चेंज कर सकते हो इससे। और इसी के साथ साथ अपने फेस का जो टोन भी इंक्रीज कर सकते हो। अगर आप गर्ल हो तो आप अपने फेस पे जो है ब्यूटी फिल्टर भी लगा सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा देखने में रियलिस्टिक लगता है, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो इस ऐप की सहायता से। इसमें जो मैं आपको दो चीज़ करके दिखाऊंगा, एक जो मैं अपने फेस का टोटली रिव्यू चेंज कर दूंगा, और दूसरा जो है एक अलग सी वीडियो लूंगा जिसकी क्वालिटी जो है बहुत ही अच्छी होगी, उसमें मैं जो है इस सेटिंग को अप्लाई करूंगा। तो आपको दोनों की रिव्यू देने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो आपको पूरी देखनी है अंत तक, कोई भी आपको पार्ट मिस नहीं करना, नहीं तो आप ठीक से नहीं कर पाओगे। तो पहले सैंपल के तौर पर मैं आपको दिखा देता हूं कि आप अपनी ब्यूटी को या फिर अपनी फेस की टोन को किस हद तक जो इंक्रीज कर सकते हो। तो अब आप जो ये देख रहे हो मेरे एडिटिंग करने के बाद का फेस है, अब आप जो फर्क पता कर पा रहे हो कि इससे जो किस हद तक की एडिटिंग हो जाती है। तो अब चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और आपको बताते हैं कि आपको क्या कुछ कैसे करना है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ फर्स्ट आपको दो ऐप की जरूरत पड़ेगी, एक का नाम है कैपकट और दूसरे का नाम है सिक्योर वीपीएन। यहाँ अगर आपके पास ये सिक्योर वीपीएन नहीं है तो आप दूसरा भी वीपीएन डाउनलोड कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आपको वीपीएन कनेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मैं वीपीएन में कनेक्शन रिकमेंडेड करूँगा यूनाइटेड किंगडम, इसका जो है कनेक्शन काफ़ी अच्छा आता है, बेशक इसके सर्वर डाउन हो, इससे जो है कैपकट काफ़ी ऐसे चलता है। और इसके बाद में आपको आ जाना है कैपकट एप्लीकेशन में और यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपकी जो भी वीडियो उसे सेलेक्ट कर लेना है, ऐड कर देना है यहाँ पर। और नीचे साइड आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे, यहाँ पर आपको साइड में करना है इनको और एडजस्ट में चले जाना है। एडजस्ट में आने के बाद में आपको मैं जैसे जैसे बताते चलता हूँ आपको वैसे वैसे करते जाना है। सबसे पहले आपको कॉन्ट्रास्ट में चले जाना है और इसको -7 कर देना है, सैचुरेशन 3 की समथिंग कर देनी है प्लस में। अब आपको चले जाना है शार्पनेस में और शार्पनेस आपको कर देनी है 20 या 25। अब आपको जाना है शेडो में, शेडो आपको यहाँ पर 10 कर देनी है और इतना काम यहाँ पर आपको हो चुका है। अब आपको डन कर देना है। अब डन करने के बाद में यहाँ पर आपको इससे आइकन पर क्लिक कर देना है। अब आपको जाना है फिल्टर ऑप्शन में और फिल्टर यहाँ पर चले जाना है। इसके बाद में आपको स्लाइड करना है और एक ऑप फिल्टर लगा लेना है अपनी वीडियो में, और शार्ट वाला ऑप्शन जो है आपको 20 या 25 रखना है और ओके कर देना है। अब आपको फिर बैक चले जाना है। देखिए आपको वीडियो जो है थोड़ी बड़ी लग सकती है, लेकिन मैं इसे जो है आपको बताते जा रहा हूँ और एडिट भी कर रहा हूँ, तब जो है बड़ी लग रही देखने में, लेकिन आप जब एडिट करोगे तब आप जो है बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी से एडिट कर पाओगे, इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब आपको यहाँ पर अपनी लेयर पर क्लिक कर देना है, स्लाइड करना है। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा रीटच पर चले जाना, फेस पर चले जाना। स्किन कलर ऑप्शन में आपकी वीडियो पर ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद में आपको स्मूथ पे चले जाना है, स्मूथनेस आप जितनी भी बढ़ाना चाहो अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो, लेकिन आपको स्मूथनेस जो कमी रखनी है। अगर आपकी वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो अगर आपकी वीडियो क्वालिटी अच्छी यानी कि आप बढ़िया कैमरे से शूट करते हो अपनी वीडियो को, तो आप जो स्मूथनेस बढ़ा सकते हो, नहीं तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आपको स्मूथनेस बिल्कुल भी बढ़ानी है, तो इसे बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देना है। अब आपको जाना है ब्राइटनेस में और फेस ब्राइटनेस आपको 30 के समथिंग रखनी है। अगर आप डार्क सर्कल्स या फिर स्माइल लाइंस को कम करना चाहते हो वो आप यहाँ से कर सकते हो। मैं यहाँ पर स्माइल लाइंस को जो 30 के समथिंग रख रहा हूँ और डार्क सर्कल्स को मैंने यहाँ पर 10 के समथिंग रख रहा है। तो फेस में आपका यहाँ पर काम कंप्लीट हो चुका है। अब आपको चले जाना रीशेप में। तो रीशेप ऑप्शन में जो आपको जैसे कि मैंने वीडियो में पहले बताया था, आप जो अपने आईज, नोज, माउथ, आईब्रोज सभी कुछ जो चेंज कर सकते हो। तो यहाँ से आपको अपने चेहरे की जो भी चीज़ एडजस्ट करनी है उसे आप एडजस्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर अपने अपर पार्ट को जो है कम करूँगा, अपर पार्ट यानी कि अपना माथा, तो यहाँ पर मैं इसे 23 या फिर 25 के समथिंग रख लूँगा, 23 रख लिया मैंने चलो। और अब चले जाता हूँ अपनी नोइस में, नोइस में यहाँ पर स्लाइम नोज जो है 20 के समथिंग रखूँगा और यहाँ पर माउथ में जा करके माउथ का हाइट जो है मैं थोड़ा सा कम करना चाहूँगा, तो यहाँ पर मैंने 12-13 के समथिंग रख लिया है। और अब चलते हैं आईब्रो ऑप्शन में, आईब्रो ऑप्शन में जो मैं ब्रो टिल्ट को यूज़ करने वाला हूँ, इसको यहाँ पर मैंने 22 रख लिया है। रीसेप में हमारा काम जो कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए मैंने सभी में से एक एक ऑप्शन लिए हैं, लेकिन फिर भी मैंने आई ऑप्शन छोड़ दिया। यहाँ पर जो आप आईज भी चेक कर सकते हो, अगर आप अपनी आईज को छोटा या बड़ा करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने बिग आई पे क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हमारी आँख जो है थोड़ी सी बड़ी लगने लगी हैं, तो ये भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। तो मैंने कुछ बेसिक चीज़ें बताई हैं, अगर आपको सभी कुछ चेक करना है तो ऐप पर विजिट करके चेक कर सकते हो। अगर आप बॉय या फिर मैन हो तो आपका काम जो दूसरे ऑप्शन में ख़त्म हो जाता है, मेकअप का आपका कोई काम नहीं है, ये जो है गर्ल्स के लिए होता है। तो
उसे हम यूज़ नहीं करेंगे, बैक आएंगे। और बैक में आने के बाद में आपको फिर एडजस्ट ऑप्शन में चले आना। अब इसमें आपको जो कुछ और काम करने होंगे जो कि आप फिल्टर लगाने के बाद ही कर सकते हो, अगर आप ये काम पहले कर लेते तो वीडियो में जो क्वालिटी इतनी ज़्यादा नहीं आती, क्योंकि हमारा फ़िल्टर जो है क्वालिटी को डिक्रीज़ कर देता है थोड़ा बहुत। तो ये चीज़ जो है आपको बाद में करनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको चले जाना है शार्पनेस में, और शार्पनेस आपको फुल कर देनी है 100। अब आपको जाना है टेम्परेचर में, टेम्परेचर यहाँ पर आपको -10 की समथिंग कर देना है। अगर आप फेस वीडियो बनाते हो तो यहाँ पर आपको विगनेट्स में चले जाना है, और विगनेट आपको 20 की समथिंग कर देना है। ये देखिए मैं समथिंग क्यों बता रहा हूँ आपको बार बार, समथिंग मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर किसी की वीडियो की क्वालिटी जो है अलग अलग होती है, हर कोई जो अलग जगह ऊपर अलग कैमरे से वीडियो शूट करते हैं, तो उसके लिए मैं ये जो है समथिंग बोल रहा हूँ। अगर आपको मैं एक्यूरेट कोई भी चीज़ बता देता हूँ तो आपकी जो वीडियो पर बिल्कुल भी फिट नहीं बैठेगी, क्योंकि मेरी वीडियो की क्वालिटी जो बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि मैं रूम में बनाता हूँ वीडियो, तो यहाँ पर जो है फुल क्लियरिटी नहीं आ पाती है, तो इस वजह से जो है मैं आपको समथिंग बोल रहा हूँ। तो वो चीज़ आपको चेक कर लेनी है खुद। अब आपका एक ऑप्शन हो रहा गया है जो कि ये HSL, इस पर क्लिक करना है, और इसके बाद में आपको देख लेना है कि आपकी वीडियो में कौन सा कलर जो सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, वही आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मेरा जो है ये जो आपको टी शर्ट दिखाई दे रही है इसका जो ब्लू कलर है, तो आपकी वीडियो का कलर जो है वो आपको यहाँ पर रख लेना है। तो मैं यहाँ पर ब्लू रख लूँगा। पहले ऑप्शन में आपको HUI इसको आपको यहाँ पर फुल कर देना है 100+ में, और सैचुरेशन भी फुल कर देनी है 100। इतना करने के बाद में आपको बैक चले जाना है और डन कर देना। अब आपका फाइनली एक काम रह गया, ये आपको वीडियो में जो वाइट फोटो दिखाई दे रहा है इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ओवरले पे क्लिक करना है, एड ओवरले पे क्लिक करना है, और यहाँ पर फोटो ऑप्शन में चले जाना है। अगर आपकी गैलरी में वाइट फोटो नहीं है तो आपको कहीं से भी डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे कि मेरा ये फ़ोटो है, ऐड कर लूँगा मैं इसे, इसे आपको फुल वीडियो पर जो है लगा लेना है। अब इसके बाद में ब्लेंड पर चले जाना, ब्लेंड में आपको यहाँ पर साइड में करना है, सॉफ्ट ऑप्शन में आपको यहाँ पर इसे 20 के समथिंग रखना है और डन कर देना है। हमारी वीडियो जो फाइनली बनकर रेडी हो चुकी है। अब आपको इस लेयर को फुल वीडियो पर लगा देना है कुछ इस प्रकार से खींच करके। अब आप जो बिफोर एंड आफ्टर का रिव्यू देख सकते हो। और रही बात वो तीसरे ऑप्शन की जो कि मैंने आपको बताया था, मेकअप जो है वो ऑप्शन जो गर्ल के लिए अवेलेबल है, तो उसका इफेक्ट जो आप बिफोर एंड आफ्टर में यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो कुछ इस प्रकार से जो आप उसे भी अप्लाई कर सकते हो अपनी वीडियो में। रही बात बैकग्राउंड की कि मेरे रियल वीडियो में जो है बैकग्राउंड में ब्लर है और यहाँ पर कोई भी ब्लर नहीं है, तो आपको ब्लर कैसे लगाना है अपनी वीडियो में वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हो। और ये तो अभी कुछ नहीं है, इससे भी हाई लेवल की एडिटिंग जो अपनी चैनल पे लाने वाला हूँ मैं। अगर आप चाहते हो अपनी वीडियो को कि आपकी वीडियो कितनी भी भद्दी या फिर बेकार क्यों ना हो उसको जो प्रोफेशनल में कन्वर्ट करना, जैसे कि साउंड हो गया, क्वालिटी हो गई एंड बैकग्राउंड वगैरह सभी कुछ जो मैं कवर करूँगा अपनी आने वाली वीडियोज़ में, तो उसके लिए आप जो सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। और थंबनेल वगैरह की वीडियो भी मेरे चैनल पर आती रहेंगी और आपको हर कैटेगरी के रिलेटेड थंबनेल भी आपको मिलते रहेंगे, तो ऐसी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। अब आपको सिंपली अपनी वीडियो को हाई क्वालिटी में अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपको फ्रेम रेट चेक कर लेना है आपकी वीडियो का क्या फ्रेम रेट है, तो यहाँ पर मेरा जो है 30 फ्रेम रेट है और क्वालिटी तो मेरी हाई है यहाँ पर 1080p। और तीसरे ऑप्शन में आपको यहाँ पर हमेशा फुल रखना है, चाहे आपकी वीडियो की क्वालिटी कम हो या फिर ज़्यादा हो, फ्रेम रेट कम हो या फिर ज़्यादा हो, कैसा भी हो आपको यहाँ पर जो है इसे हाई रखना है और अपनी वीडियो को सेव कर लेना है।